नाजरीन, एक अहम सवाल है जो आपकी तरफ से आया है और उसके जवाब के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ रिसर्च स्कॉलर मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम गुरैरी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, बड़ा अहम सवाल है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है या खुदा न खास्ता कोई वबा आती है तो अजानें दी जाती हैं, इसकी शरई हैसियत क्या है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसकी प्रैक्टिस जो है वो हमें पिछले दिनों में देखने को मिली है। जब ये COVID-19 जो है उसका अटैक हुआ जी, तो लोगों ने अपने घरों की छतों पे जो है वो अदानें देना शुरू कर दी और ये सिलसिला इतना बड़ा कि रात गए तक जो है वो अदानों का सिलसिला जो है वो जारी रहता था। अब इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ जिसको हम सवाब समझें और उसको मज़हब या दीन का जो है वो नाम दें कि ये हमारे दीन में ये बात है, उसके लिए हमें दलील की ज़रूरत है। और दीन इस्लाम के फॉलोअर्स जितने भी हैं, मुसलमान जितने भी हैं, उनको दलील के लिए जो है वो रहनुमाई दरकार है, वो कुरान करीम से या हदीस मुबारका से, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब ये है कि तरह तरह के मसाइल जो हैं और इब्तलाएँ जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी आई, सहाबा इकराम ने भी जो है वो इसका फेस किया है। तो इसके बाद जो है वो बड़े बड़े मुसलमान अकाबरीन जो है वो भी और हुक्मरान भी जो है वो आए, उनके दौरे मुबारक में भी जो है ये वबाओं का सिलसिला जो है वो जारी रहा है। तो हमें जो है वो तारीखी तौर पर और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़र डालने की ज़रूरत है कि इस सिलसिले में मुसलमान को जो है वो हुक्म क्या है। तो अजान देने की शरई हैसियत हमें ना तो अल्लाह के कुरान से मिलती है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से। और सबसे बेहतरीन सूरत मुसलमान के लिए वो यही बनती है कि एक मुसलमान जब भी उसको कोई जो है वो इनिशिएटिव लेना हो तो वो आमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को देखे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम हमीद को देखे और उसके बाद जो है वो अपनी राह मुतय्यन करे और किसी भी बात पे जो है वो इनिशिएटिव ले। तो ये अदाने देना जो है ये शरण जो है वो आमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से या दीन इस्लाम से साबित नहीं। हाँ, आमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई परेशानी लाहिक होती तो उस वक़्त अहादीस मुबारक में ये बात ज़रूर मिलती है कि आमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बिलाल को जो है वो आवाज़ देते और उनसे पूछते कि बिलाल जो है अजान का वक़्त नहीं हुआ, अजान दीजिए। और आप जो है वो मकसद क्या होता था कि मस्जिद की तरफ आएँ, नमाज़ें अदा करें, गोया कि मुसीबत और मुश्किल पेश आए तो आप अल्लाह से रजू ज़रूर करें, लेकिन उसकी ये सूरत नहीं है कि आप अजानें देना शुरू कर दें और छतों पर जो है वो चढ़ जाएँ। कि इतना बड़ा एक इकदाम हो और उसकी मिसाल हमें शरीयत के जो है वो बुनियादी असूल जो माखज हैं वहाँ से ना मिल रही हो और हम जो है उस पर जो है वो कोई कदम उठाना शुरू कर दें, ये हमारे लिए नामुनासिब है। क्योंकि हमारा दीन जो है वो बादलील जो है वो दीन है, दलील के बगैर जो है वो इंसान अगर चले तो वो जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखते हुए इन वबाओं के मौसम में, मसाइब के मौसम में इस तरह जो है वो छतों पे चढ़ के अजान देना शर्म जो है वो नामुनासिब है। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत में ये मिलता है ज़रूर कि अगर कहीं पे जो है वो शयातीन जो है वो वारद हो रहे हों तो वहाँ पे जो है वो अजान दी जाए,